बड़ा बनना है तो दर्द से गुजरना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अन्य महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग आते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें सक्सेस नहीं मिलता, यश नहीं है, सफलता मिलती नहीं है, हमारा लक खराब है और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, कोई भी सफलता मिला नहीं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। और आपको यदि सफलता पाना है तो दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा, बहुत दर्द होगा, बहुत हार्डवर्क करना होगा, बहुत असफलता का सामना करना पड़ेगा। लोग ताने मारेंगे, लोग नीचा बताएंगे, लोग खिल्ली उड़ाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे। मैं मेरा शेयर करूं तो जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, मतलब अंदाजन 10-12 साल का, तो मेरे दादाजी ने मेरे दिमाग में वो डाल दिया कि नहीं, आपको ना डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो। हमारे घर की परिस्थिति एकदम गरीबी थी और डॉक्टर बनना बोले तो हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बनना बोले तो आपको 250 किलोमीटर दूर नागपुर में जाना पड़ेगा और नागपुर में जाके वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, खर्चा लगेगा, ये तो अपने लिए संभव ही नहीं है। हमको 2 टाइम खाने के प्रॉब्लम थे। तो फिर हमारे रिलेटिव बोलते थे कि ये क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा नहीं। मैं बोलता था तो मैं डॉक्टर बनूंगा, तो हंसते थे और फिर क्रिटिसाइज करते थे या सार्कास्टिकली सब जो हुए कि हमारे रिलेटिव के इधर गया तो बोलते थे हाँ आ गए डॉक्टर साहब। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था मैंने कहाँ से डिक्लेयर कर दिया, मगर डिक्लेरेशन का बहुत पावर होता है। क्योंकि अभी तो फिर जब वो बोल रहे आ गए डॉक्टर साहब, जब मैं 13-14 साल का था तभी भी बोलना चालू किया आ गए डॉक्टर साहब, तो फिर और मेरे को ताव आता था कि नहीं अभी तो बनना ही पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन में पावर होता है, जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं, बोल देते हैं, घोषणा करते हैं और लोग जब खिल्ली उड़ाते, मजाक करते हैं, तो फिर तो मजाक से हम एक तो दब जा सकते हैं या फिर ऊपर उठ सकते। मैं ऊपर उठा, बोला ठीक है अब तो बता ही दूंगा, मैं सचमुच डॉक्टर बनूंगा। और फिर लोगों के जो भी क्रिटिसाइज है, जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी लोगों की आलोचना है, वो सहन करते करते जो भी उसके लिए पैसों का एडजस्टमेंट है, वो हमने नाना जी ने हमारे किया और मैं डॉक्टर बन गया। तो बड़ा बनना है तो करना ही पड़ेगा, तो और वो करेंगे, लोगों के ताने सुनेंगे, लोगों की आलोचना सुनेंगे और काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलती ही जाएगी। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो जन्म के समय बहुत तकलीफ होती है, 9 महीने भी तकलीफ सहन करना पड़ता है माँ को, मगर बच्चा होने के बाद में माँ को जो आनंद होता है ना, वो जो प्लेजर है, वो तो लेबर पेन बोलो या 9 महीने की जो भी तकलीफ है वो सब माँ भूल जाती है। एक जब बर्थ देती है माँ, एक अपना एक्सटेंशन, बच्चा जब होता है तो माँ का एक्सटेंशन होता है, माँ का एक एक्सटेंशन है, माँ का एक अगला रूप है बच्चा बोले तो, तब उसको जो आनंद होता है तो वो सब पहले वाला सब भूल जाती है। और हर माँ चाहती है और हर लेडी चाहती है कि मैं माँ बनूँ। तो कोई भी बड़ा प्लेजर आपको चाहिए तो बड़ा पेन तो सहन करना ही पड़ेगा। तो जितना शॉर्ट टर्म पेन है उतना लॉन्ग टर्म प्लेजर भी मिल सकता है, मगर लोग शॉर्ट टर्म पेन लेने को तैयार नहीं रहते हैं, बोलते नहीं नहीं इतना पेन तो हम सहन नहीं करेंगे, इतना दर्द तो नहीं करेंगे, दर्द होना ही नहीं भाई। और जब दर्द नहीं सहन करेंगे तो फिर प्लेजर मिलेगा भी नहीं। तो आपको लंबे समय तक का प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए, तो शॉर्ट टर्म का पेन भी सहन करना पड़ेगा और तभी आप सफल पाओगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। बहुत सारे लोग हैं ना कंसिस्टेंट नहीं है, निरंतरता नहीं है, छोड़ देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और फिर बोलते कि देखो हमको यश नहीं मिल रहा है। तो यश के जो गुण हैं वो एक हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, चिपक के बैठना पड़ता है, परसिस्टेंटली वो काम करना पड़ता है, लोगों की आलोचना सहन करनी पड़ेगी, टिका टिप्पणी है, आपको ऐसा नीचा बताएंगे, लोग आपके पैर खींचेंगे, जो भी है वो सहन करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।